हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जस्ट यूपीएससी एग्जाम में। ये एक न्यू सीरीज है एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पे ही रहेगी। आज सिर्फ जो है मैंने रोड मैप आपके सामने लाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या आगे मैं कवर करने वाली हूँ और किस तरीके से कवर करने वाली हूँ। तो मेनली क्या है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन सिलेबस ही इस सीरीज में मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी, जिसमें कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रीलिम्स कवर कर लिया फिर मेंस कवर किया। मेनली क्या है कि इंटीग्रेटेड वे में चलना है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेटेड वे में चलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी कि एक मैंने रूल बनाया है कि स्किप क्या करना है और कवर क्या करना है। तो स्किप में क्या है, जितने भी वॉर्स हैं, किंग्स की इन्फॉर्मेशन है जो कि यूपीएससी पूछता ही नहीं है, तो उसको कवर करने से फायदा क्या है, तो वो हम लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। और कवर क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और सोशल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है अभी तक, तो हम लोग को ये सिर्फ इस पर फोकस करना है मेनली। और जब मैंने कवर कहाँ से करा है ये सारे रिसोर्स, तो ये देखते हैं कि क्या ओल्ड एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की, ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी हो गई 11th क्लास, फिर तमिलनाडु बुक से मैंने सेलेक्टेड पोर्शंस लिए हैं, और इग्नू मटेरियल से भी मैंने कुछ कुछ जगह से चीजें उठाई हैं जो कि मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और फिर आदर्श शर्मा जो है उससे भी मैंने थोड़ा बहुत लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कल्चर के लिए क्या करा है। कल्चर के लिए जो है एनआईएस जो 10th क्लास की जो कल्चर की बुक आती है उसके सिलेक्टेड पार्ट्स, फिर न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 11th क्लास की है ना उसका जो फाइन आर्ट बुक है वो लिया है, फिर सीसीईआरटी से जो है सिलेक्टेड पार्ट्स लिए हैं, और नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर बुक आती है उससे भी मैंने कहीं कहीं से कुछ ना कुछ उठा के अपनी स्लाइड्स में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे क्या कवर करेंगे। तो एक रोड मैप है, ठीक है, इसमें चैप्टर्स मैंने बाइफर्केट करेंगे, जैसे प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री हो गया चैप्टर वन में, फिर चैप्टर सेकेंड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर थर्ड में आर्यन एंड वैदिक एज हो गया, फिर लेटर वैदिक एज, फिर महाजनपदास, फिर जैनिज्म, ठीक है। इसके बाद जो है फिर बुद्धिज्म, मौर्यन पीरियड हो गया, फिर पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता एज, फिर हर्षवर्धना, फिर जो है सोशल कंडीशन ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड क्या क्या रही है, फिर ये चैप्टर में ये भी कवर कर लेंगे। फिर जो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन एंशियंट इंडिया, ये भी एक चैप्टर में कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद है कि साउथ इंडियन हिस्ट्री में भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, संगम एज में क्या रहा है, फिर हिस्ट्री ऑफ सतवाना डायनेस्टी, फिर पल्लवास ऑफ कांची, फिर हिस्ट्री ऑफ चोलास क्या क्या रही है, फिर विजयनगर एम्पायर में कैसे क्या हुआ, फिर बहामनी किंगडम में क्या रहा है, तो ये सब कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कल्चर के क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हो गया पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, पपेट्स हो गया, लिटरेचर हो गया। हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पर, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक कोट मुझे मिला तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे पोस्ट करा जाए कि योर आई कैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आई क्यू, मतलब कि मैं कर सकता हूँ ना ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट रेदर देन आपका आई क्यू लेवल क्या है, ठीक है। तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपने अंदर जो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी आगे की जर्नी जो है ना वो काफी ईजी हो जाती है। अब ये कल्चर है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है, हम लोग का जिंदगी जीने का तरीका क्या है, हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थिंक, वो फील कैसे कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज उन्होंने अपने आप को कैसे कर रखा है, वो सेलिब्रेट कैसे करते हैं, वो लाइफ अपनी शेयर कैसे करते हैं, ये सब कल्चर में आता है। कल्चर कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, मतलब ये भगवान द्वारा निर्मित चीज नहीं है, ठीक है, ये इंसान ने ही बनाया है इस सोसाइटी में रहने के लिए। इसमें मटेरियल थिंग भी आती हैं और नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स, मतलब भौतिक और अभौतिक चीजें दोनों ही इसमें आपको देखने को मिलती हैं, और ये जो है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट होता रहता है। तो समझ में आता है कि अच्छा मेरे यहाँ ये कल्चर है और दूसरे के यहाँ वो कल्चर है, ठीक है।
जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा, और आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा और डीपर सेंस में देखते हैं कि भाई कल्चर में और क्या क्या है। ठीक है, इसमें है कि लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें तो आती हैं कल्चर में। ठीक है, फिर इसमें कि जो है कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और एक कैसा एंड स्ट्रक्चर दैट मेक द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी स्मूथ, मतलब कि जो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है उसको हमें कैसे स्मूथ और वेल ऑर्डर्ड वे में लेके चलना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक कल्चर बना देते हैं कि भाई ये करना है, ये मॉरल्स है, ये कस्टम्स है, आपको यही फॉलो करना है, तब जाके वो एक वेल ऑर्डर्ड वे में चलता है। ठीक है, कल्चर क्या है कि हम लोग का एक एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर है। इसके बाद देखते हैं कि मैंने बात करी थी भौतिक और अभौतिक चीजों की। ठीक है, तो भौतिक चीजों में क्या आएगा, ड्रेस हो गया, फूड हो गया, फिजिकल गुड्स हो गया, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, मीन्स द थिंग्स वी कैन टच, ये सारी चीजें जो है भौतिक में आ गई। इसके बाद अभौतिक चीजों में क्या आ गया, आइडियाज हो गए, थॉट्स हो गए, बिलीफ्स हो गई। ठीक है, और कस्टम्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारी चीजें जो है अभौतिक चीज में आएंगी। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस है क्या, देखो आपने सिविलाइजेशन भी सुना होगा जिसको कि हम सभ्यता बोलते हैं, और कल्चर जिसको कि हम संस्कृति बोलते हैं, पर इसमें डिफरेंस है क्या, जो सभ्यता है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है कल्चर का, मतलब मेकिंग बेटर वे ऑफ लिविंग। ठीक है, पहला क्या होता है कि एक कल्चर होता है कि रेफरेंट टू इनर बीइंग या फिर रिफाइनमेंट ऑफ हेड एंड हार्ट, जब ये बहुत ज्यादा इसका रिफाइनमेंट हो जाता है, बहुत से 100 सालों तक लगभग ये चलता रहता है या 1000 सालों तक, तब जाके ये एक सिविलाइजेशन में आता है। जैसे कि ए पुअर मैन वेयरिंग चीप क्लॉथ, ठीक है, पहने हुआ है, या फिर तो वो उसको बोलेंगे भाई ये अनसिविलाइज्ड है, लेकिन एक वेल्दी मैन है, वो खूब टिप टॉप तरीके से है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये एक बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड पर्सन है। ठीक है, अब देखते हैं कल्चर में और क्या है कि जैसे ये कस्टम्स हो गए, मॉरल्स हो गए, बिलीव्स हो गए, ये जो है कल्चर में आता है। इसके बाद जो है देखते हैं कि एक जो कल्चर है वो टोटल वे ऑफ लिविंग है बिल्ड बाय ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कि ये फॉलो करना है हमारे यहाँ, हमारी फैमिली में ये कस्टम है तो हमें ये फॉलो करना है, वो धीरे धीरे कल्चर वो उस जगह का वो कल्चर बन जाता है। लेकिन जब सिविलाइजेशन की बात आती है तो इस एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक लॉज के फॉर्म में हो जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें जो है सिविलाइजेशन में आती हैं। सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी का। थैंक यू, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, वी विल अपलोड सून द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी ऑन द प्रोटो एंड प्री हिस्ट्री।